नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे राकेश झुनझुनवाला जी के जो पैनी स्टॉक्स हैं उनके पोर्टफोलियो में, उन स्टॉक्स के बारे में, और जो कंप्लीट स्टॉक्स है उसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम स्मॉल कैप स्टॉक्स या कहें पैनी स्टॉक्स है उसके बारे में बात करेंगे, कौन कौन से पैनी स्टॉक्स राकेश झुनझुनवाला जी जो हमारे स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े सक्सेसफुल मिलेनियर है या कहें बिलेनियर है, तो उनके स्टॉक्स जो है पोर्टफोलियो में, मतलब जो स्मॉल कैप स्टॉक्स है, जो पैनी स्टॉक्स है, उस स्टॉक के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम उनके पैनी स्टॉक स्मॉल कैप को इसलिए कवर कर रहे हैं ताकि आप जानें कि जो हमारे बड़े बड़े मिलेनियर हैं वो कैसे स्टॉक मार्केट से एक बहुत बड़े रिच पर्सन बने हैं, तो उनसे आप कुछ सीखिए। तो इनके सीखने के लिए हमने इन सारे स्टॉक्स को लाया है, और अगले वीडियो में हम जो उनके और भी लार्ज कैप स्टॉक, मिड कैप स्टॉक्स है, वो सारे स्टॉक्स लेकर के आएंगे। तो दो वीडियो में हमने इसे डिवाइड किया है क्योंकि उनके स्टॉक्स जो बहुत ज़्यादा है, मतलब पोर्टफोलियो में 20-30 स्टॉक्स है, अप्रॉक्स 30 से भी अबव है, तो इसलिए हमने इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया है, लार्ज कैप और स्मॉल कैप, मतलब दोनों अलग अलग वीडियो में। तो इसमें हम स्मॉल कैप मतलब पेनी स्टॉक्स और स्मॉल कैप जो है दोनों को डिस्कस करेंगे, और अगले वीडियो में लार्ज कैप और मिड कैप दोनों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें हमारे चैनल पर स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज हैं जिसे देख करके आप स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सीख सकते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक जो है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, डील वाइज फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। ये स्टॉक्स अभी देखते हैं, करंट प्राइस है 46.45 रुपीज़, और ये हमारा देखते हैं डिविडेंड यील्ड कितना शानदार है, 3% का है। तो देखते हैं इस तरह के स्मॉल स्टॉक, मतलब छोटे प्राइस वाले स्टॉक्स हैं जो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, वो उनके पोर्टफोलियो में है। आपको कैसे देखना है कि कौन सा स्टॉक्स उनके पोर्टफोलियो में है, कौन सा स्टॉक्स नहीं है, अगर आप स्टॉक वाइज कोई भी इसमें चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएससी इंडिया के वेबसाइट पर आपको आना है। यहाँ पर स्टॉक का नेम टाइप करना है, देख सकते हैं जैसे मधाना रिटेल वेंचर्स लिमिटेड, आगे हम ये स्टॉक भी कवर किए हैं, ये भी स्टॉक्स उनके पोर्टफोलियो में, देख सकते हैं ये पैनी स्टॉक्स है। तो इस तरह से ये स्टॉक्स का नेम यहाँ पर टाइप, जैसे यहाँ नेम टाइप कीजिएगा वो कंपनी आ जाएगा, आपको वो कंपनी सेलेक्ट कर लेना है, उस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से खुलेगा, नीचे इसमें आपको जाना है, नीचे जाइएगा तो शेयर होल्डिंग पैटर्न होगा, देखते हैं इस कुछ इस तरह का शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आप क्लिक कीजिएगा, जैसे मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न आ जाएगा तो आपको देखिए कैसे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ये देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, इस पर क्लिक किए, यहाँ पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर फिर ये देख सकते हैं इस आइकन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरह का पेज खुल जाएगा, तो समरी ऑफ स्टेटमेंट होल्डिंग ऑफ स्पेसिफिक सिक्योरिटीज, तो इस में पेज पर आपको नीचे जैसे आइएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग समरी के नीचे में यहाँ पर आप लिखा हुआ है स्टेटमेंट शोइंग शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ पब्लिक शेयर होल्डर, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक जाएगा तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का पेज खुलेगा, जैसे इस तरह का पेज खुलेगा तो आपको नीचे आना है, देख सकते हैं यहां पर है हमारे रिटेल इन्वेस्टर अबव 2 लाख, तो 2 लाख के अबव जो भी रिटेल इन्वेस्टर होगा जिसका स्टेक 1% से ज़्यादा होगा, तो राकेश झुनझुनवाला यहाँ पर देख सकते हैं 12.74% का स्टेक है, तो इनका नाम दिखेगा, मतलब ये 1% जिनका भी स्टेक होगा वो नाम यहाँ पर आपको दिखेगा, 1% से कम स्टेक होगा तो नहीं दिखेगा नाम। तो 40 ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसका स्टेक 2 लाख से अधिक है, 2 लाख से अधिक होने के बाद 1% जब होता है तब नाम यहाँ पर शो करेगा, 1% से कम होने पर नेम शो नहीं होगा। दूसरा यहां पर देखते हैं ये पटेल जी है और दूसरा ये राकेश झुनझुनवाला जी है, तो यहां पर देख सकते हैं इनका स्टेक इतना 12.74% है। तो इस तरह से आप यहां पर देख सकते हैं कोई भी शेयर होल्डिंग पैटर्न में राकेश झुनझुनवाला जी का स्टेक है या नहीं है। तो हमने यहां पर एक में आपको दिखा दिया, ये हमारा स्टॉक कौन सा था, ये स्टॉक हमने नेम पहले ही आपको यहां पर दिखाया था, मधाना रिटेल वेंचर्स लिमिटेड। तो देख लिए आपने, ये स्टॉक्स भी उनके पोर्टफोलियो में है, मात्र 9.90 रुपीज़ का ये स्टॉक्स है, 10% देख सकते हैं 10% की तेज़ी पिछले ट्रेडिंग डे पे है, 10% की तेज़ी। अब दूसरा स्टॉक देखते हैं मेन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, ये स्टॉक्स भी उनके पोर्टफोलियो में है। तो सारे स्टॉक्स को हम आपको यहाँ दिखाने जा रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म चार्ट भी है, देखते हैं अभी तक ये कोई खास रिटर्न नहीं दिया है, ये स्टॉक्स लगातार नीचे ही जा रहा है। तो जो अंडर वैल्यूड स्टॉक होते हैं, मतलब वैसे स्टॉक जिसका प्राइस बहुत ही अंडर
परफॉर्म है, मतलब बहुत ही करेक्शन आया हुआ है, तो उसमें ये इन्वेस्ट करते हैं। और अगर इसमें मतलब कोई भी सुधार आ जाता है, कंपनी फिर से रिकवर कर लेती है अपने बिजनेस को, मतलब कंपनी का बिजनेस अच्छा ग्रो होता है, तो ऐसे ऐसे स्टॉक में अगर 10 में वो इन्वेस्ट करते हैं, अगर एक भी स्टॉक उनको मल्टीबैगर रिटर्न दे दिया, तो समझ सकते हैं उनका सारा इन्वेस्टमेंट जो है एक मल्टीबैगर रिटर्न में तब्दील हो जाएगा। तो वो ऐसे ऐसे स्टॉक ही इन्वेस्ट करते हैं। इसमें भी देख सकते हैं कोई खास इन्वेस्टमेंट जो किए हैं, कोई खास रिटर्न नहीं मिला है उनको। अगर ये देख सकते हैं यहाँ पर इन्वेस्ट किए होंगे तो बहुत ज़्यादा देख सकते हैं करेक्शन आ चुका है इसमें। ये 300 रुपीज़ के स्टॉक्स अभी देख सकते हैं 46 रुपीज़ पर आ चुका है। तो उसी तरह से आप अगला स्टॉक जो है हमारा देख सकते हैं वो है ओरिएंट सीमेंट। देखते हैं ओरिएंट सीमेंट में मात्र 60 रुपीज़ का, और देखते हैं लॉन्ग टर्म चार्ट कोई खास रिटर्न नहीं है, वो काफ़ी दिनों से होल्ड कर रहे हैं। देखते हैं कभी 186 रुपीज़ का हुआ करता था, अभी मात्र ये आपको 60 रुपीज़ का स्टॉक्स देख सकते हैं ओरिएंट सीमेंट। तो ऐसे ही बहुत सारे जो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स है उसमें इन्वेस्ट करते हैं राकेश झुनझुनवाला जी। अगर ये स्टॉक्स बेटर परफॉर्म करता है तो निश्चित है उनको एक मल्टी बैगर रिटर्न मिलेगा। तो उनका मेन क्या मकसद है आप देख सकते हैं आगे जो हम दिखाएंगे लार्ज कैप स्टॉक, उसमें से जैसे टाइटन है इनके पास अभी भी है, वो टाइटन में भी वो इन्वेस्ट किए थे 2002 में, उस समय बहुत ही कम प्राइस का ये स्टॉक्स हुआ करता था टाइटन भी, आज उनको एक बिलीनियर बना चुका है वो स्टॉक। तो समझ सकते हैं ऐसे ऐसे स्टॉक में ये इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो ओरिएंट सीमेंट, तो ये स्टॉक भी देख सकते हैं काफ़ी दिनों से अंडर परफॉर्म रहा है। अगला स्टॉक से है हमारा मतलब राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो में जो है वो है हमारा GRM इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। GRM इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं मात्र 20 रुपीज़ का स्टॉक्स है, मैक्सिमम ईयर में चार्ट देखिएगा तो देखते हैं ये भी स्टॉक्स काफ़ी दिनों से अंडर परफॉर्म है, कोई भी इसमें आपको मूवमेंट देखने नहीं मिल रहा है, कोई भी अप बार मूवमेंट डाउन बार मूवमेंट ये स्टॉक जहाँ का तहाँ देख सकते हैं वहीं पर है, कुछ करेक्शन ही देखने मिला है लेकिन कोई भी मोमेंटम देखने नहीं मिला है। तो समझ सकते हैं कैसे कैसे स्टॉक्स हैं। हम आपको इसमें इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं देते हैं क्योंकि राकेश झुनझुनवाला जी का उनका अपना खुद का रिसर्च होता है, उनका खुद का रिस्क होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपका रिस्क क्या है, आपका रिसर्च क्या कहता है, उसके अनुसार इन्वेस्ट करें। देखते हैं प्रोजोन इंटू प्रेफ्टेज लिमिटेड मैक्सिमम ईयर का चार्ट, हम सारे स्टॉक्स के मैक्सिमम ईयर के चार्ट खोले हुए हैं। देखते हैं इसमें कुछ दिनों से तेजी देखने मिला है, फिर ये तेजी का उल्टा हो जाएगा, मतलब देखते हैं पिछले दिन ये हमारा नीचे आना शुरू हो गया 5% से लोअर सर्किट देख सकते हैं। तो अगर आप ये 5 डेज का चार्ट देखिएगा तो यहाँ पर लोअर सर्किट दिख रहा होगा, लगातार अपर सर्किट था, फिर पिछले ट्रेडिंग डे से इसमें लोअर सर्किट लगना शुरू हो गया। तो समझ सकते हैं ऐसे ऐसे स्टॉक्स हैं उनके पोर्टफोलियो में, तो उनका खुद का रिसर्च होता है, आपको भी अपना खुद का रिसर्च होना चाहिए। कौन सी कंपनियाँ वैसी है जिसके स्टॉक्स अंडर वैल्यूड हैं लेकिन कंपनियों के बिजनेस काफ़ी अच्छे हैं, तो बिजनेस देखना पड़ेगा किनके बिजनेस काफ़ी अच्छे हैं या किनके बिजनेस आगे आने वाले समय में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, तो उन स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था जैसे हमारा मार्क्सन फार्मा है, ये स्टॉक्स पेनी स्टॉक्स था, 10 रुपये से अभी प्राइस उसका जो है 33 रुपीज़ जा चुका है। वही TV18 ब्रॉडकास्ट 12 रुपीज़ का स्टॉक्स अभी आप देखिएगा 30 रुपीज़ जा चुका है। तो ऐसे ऐसे स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगला देख सकते हैं फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन देख सकते हैं इसका करेंट प्राइस कितना है 39 रुपीज़ 35 पैसा। ये स्टॉक्स भी पिछले दिन देखते हैं 5% से अप था, ये भी स्टॉक फिर भी लॉन्ग टाइम देखिएगा तो कोई इसमें परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है, कोई इसमें अप ट्रेंड मूवमेंट आपको नहीं दिखेगा। देखते हैं स्टॉक्स लगभग सेम जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है ये स्टॉक्स। तो ऐसे ऐसे स्टॉक्स। अगला हमारा है फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड। फोर्टिस हेल्थ केयर देखते हैं सारे फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स जो है काफ़ी तेज़ी देखने मिला है लेकिन इस स्टॉक में देखते हैं कोई तेज़ी नहीं है। तो ऐसे ऐसे रिसर्च है उनके कि ये स्टॉक्स कब मतलब परफॉर्म करेगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनमें जो पेशेंस है वो पेशेंस भी आपके पास होना चाहिए, वो कितने दिन तक होल्ड कर सकते हैं, क्या आप उतने दिन तक होल्ड कर सकते हैं, ये 10-10 साल से अपने स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं क्या आप उसे रख सकते हैं, इनका रिस्क फैक्टर अलग है। ये 200 रुपये पे स्टॉक को खरीदते हैं, वो स्टॉक्स कभी 5 रुपीज़ पे भी आ जाए फिर भी वो उसे होल्ड करते हैं, क्या आप होल्ड कर पाएंगे। तो इनका जो रिस्क है, इनका जो पेशेंस है वो अलग लेवल का है, आपका रिस्क आपका पेशेंस क्या है उसके अनुसार से आप अपना स्टॉक को रिसर्च करें।
अगला हमारा स्टॉक्स है टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, देख सकते हैं इनमें भी इनका इन्वेस्टमेंट है। और ये स्टॉक देख सकते हैं अपने लो से, जो अपना लो बनाया था 12 रुपीज़ 35 पैसा, वहाँ से देख सकते हैं कितना परसेंट का रिटर्न, 120% का रिटर्न दे चुका है मात्र देखते हैं अप्रैल से जून के बीच, अप्रैल से जून तक में ये 120% का रिटर्न दे चुका है। तो ये स्टॉक्स क्योंकि पिछले क्वार्टर से इसका रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव आया है, इसलिए ये स्टॉक्स बेटर परफॉर्म किया है। तो समझ सकते हैं यह रिलायंस ग्रुप का स्टॉक है, हमने वीडियो भी बनाया था रिलायंस ग्रुप के जो पेनी स्टॉक्स है उसमें टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, उसके बाद नेटवर्क 18, डेन, हाथवे केबल, तो इस तरह के स्टॉक्स हैं। हाथवे केबल एक दिन में, डेन नेटवर्क जो है एक दिन में 20% का तेज़ी देखने मिला है। तो समझ सकते हैं ऐसे ऐसे स्टॉक्स जो कि अच्छे स्टॉक्स हैं, जो कि मतलब पॉजिटिव रिजल्ट काफ़ी दिनों से दिए हैं, तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखते हैं बैंकिंग सेक्टर में फेडरल बैंक, आप इन्वेस्ट किस पे करेंगे, HDFC बैंक में, मतलब जो नए स्टॉक मार्केट में है वो लोग अच्छे ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करना पसंद करें, क्योंकि आपका जो रिसर्च है इस लेवल का होना चाहिए जिस लेवल का इनका रिसर्च है। देखते हैं फेडरल बैंक, आपका जो रिस्क लेवल है वो कम है क्योंकि आपके पास कैपिटल कम है, इनके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा है। तो देखते हैं फेडरल बैंक ये स्टॉक्स, देखते हैं आप अगर यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो अभी आप यहाँ पर काफ़ी आपका जो हर्ट बीट है वो काफ़ी ऊपर नीचे होता, क्योंकि ये 120 का स्टॉक्स अभी 48 रुपीज़ पर आ चुका है। अभी आप चाहे तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कब, जब ये लगे कि ये स्टॉक काफ़ी बेहतर है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आप किसी को भी फॉलो नहीं कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, क्योंकि उनका खुद का रिसर्च होता है, उनका खुद का पेशेंस होता है, खुद का उनका रिस्क होता है। अगर वो अपना यहाँ पर 0.1% भी लगा देते हैं तो उनका 0.1% भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको आप 0.1% लगाएंगे तो आप एक स्टॉक खरीदेंगे इसमें, क्योंकि आपके पास कैपिटल कम है, इनके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा है। उसके बाद अगला हमारा है देखते हैं करूर वैश्य बैंक, देखते हैं करूर वैश्य बैंक, ये भी स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि डिविडेंड यील्ड देखते हैं 2.15% का, फेडरल बैंक का भी देखिएगा तो डिविडेंड यील्ड देखते हैं 2.91% का, तो दोनों बेहतरीन स्टॉक है। लेकिन आप उन्हीं स्टॉक में इन्वेस्ट करें जो स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, ये स्टॉक्स काफ़ी बार बोनस भी दिया है, ये देख सकते हैं करूर वैश्य बैंक, ये स्टॉक्स काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बार बोनस भी दिया है स्टॉक्स। तो फेडरल बैंक भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, हमने भी कई बार रिकमेंड किया है आपको फेडरल बैंक, ये भी बैंक काफ़ी बेहतर है, ये भी कई बार बोनस दिया है, स्प्लिट भी किया अपने स्टॉक को, जिससे इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला है लॉन्ग टर्म में। उसके बाद डेल्टा कॉर्प काफ़ी न्यूज़ में रहा है ये स्टॉक्स, देखते हैं इसमें इनका राकेश झुनझुनवाल जी का इसमें इन्वेस्टमेंट है, तो इस तरह के स्टॉक में उनका इन्वेस्टमेंट है। तो जो भी स्टॉक्स हैं उनके पोर्टफोलियो हम सारे डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर देखते हैं पिछले दिन इसमें 5% की तेज़ी देखने मिला, और लॉन्ग टर्म देखिएगा तो ये स्टॉक्स देखते हैं कोई परफॉर्मेंस इसमें नहीं है देखते हैं, लेकिन ये कितना दिन वेट कर पाएंगे, कितना दिन पेशेंस रखेंगे, वो पेशेंस का लेवल आपके पास है, अगर है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर देखते हैं गवर्नमेंट सेक्टर NCC लिमिटेड, देखते हैं इसका डिविडेंड देखिए कितना 5% का है, और ये स्टॉक्स आप देखिएगा मैक्सिमम ईयर में देखिए काफ़ी अंडर परफॉर्म स्टॉक्स है, देखते हैं काफ़ी ये स्टॉक्स 125 रुपीज़ का हुआ करता है, अभी मात्र 25 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा, मतलब जैसे थोड़ा सा मार्केट और करेक्शन आता है, अगर मार्केट में तेज़ी आता है तो फिर आपको ऊपर के प्राइस पे मिलेगा। अगला स्टॉक से हमारा देखते हैं अनंत राज लिमिटेड, देखते हैं ये स्टॉक्स भी काफ़ी दिनों से अंडर परफॉर्म रहा है, लगातार ये स्टॉक्स देखते हैं लगातार डाउनवर्ड इसमें फॉल देखने मिला है, लेकिन डिविडेंड यील्ड देख लीजिए 1.22% का, मतलब ये भी स्टॉक्स एक पैनी स्टॉक्स बन चुका है, लेकिन अभी भी डिविडेंड ये दे रहा है। तो समझ सकते हैं ऐसे ऐसे स्टॉक में वो इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो अगला हमारा जो स्टॉक्स है उनके पोर्टफोलियो में उस पर चलते हैं, देखिए DB रियलिटी लिमिटेड, देखते हैं DB रियलिटी इस स्टॉक में भी उनका इन्वेस्टमेंट है, और DB रियलिटी आप यहाँ पर देख लीजिए इस स्टॉक का प्राइस मात्र 8 रुपीज़ 67 पैसा का ये स्टॉक्स है DB रियलिटी, और इस स्टॉक का आप देख लीजिए इस स्टॉक का जो अभी इनका मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट है कितना का है, तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो नीचे में यहाँ पर देखते हैं राकेश झुनझुनवाला जी, यहाँ पर झुनझुनवाला रेखा राकेश, यहाँ पर देखते हैं 2.06% का, देखते हैं DB रियलिटी इसमें 2% का स्टेक है उनका, तो इनका अपना रिस्क मतलब है आपका अपना रिस्क है, आपका अपना कैपिटल है, तो आप अपना रिसर्च करेंगे, इनका अपना खुद का रिसर्च है, और वही मंधना रिटेल वेंचर्स में आपको हमने दिखाया है था कि इसमें 12.74% का इनका इन्वेस्टमेंट है,
उसी तरह से अगला जो स्टॉक है हमारा, उसके बाद जो इनका स्टॉक्स है आप देख लेते हैं, यहाँ पर ऊपर चलते हैं। इस स्टॉक का नाम है करूर बेस्या बैंक, ये तो आपने देख ही लिया पहले ही, करूर बेस्या बैंक में उनका इन्वेस्टमेंट है। तो ये सारे स्टॉक्स है जो मतलब हमारा पेनी स्टॉक है जिनमें इनका इन्वेस्टमेंट है। तो अगले वीडियो में हम आपको इनके जो मिड कैप है, लार्ज कैप स्टॉक्स है जिनमें इनका इन्वेस्टमेंट है, वो सारे स्टॉक्स दिखाएंगे और वो सारे स्टॉक में कब इन्वेस्ट किए थे और किस प्राइस पे किए थे, कहां से कहां चल गया, ये भी बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा कि जो हमारे स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े इन्वेस्टर है वो किस तरह के स्टॉक में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं और आपका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, इससे आप कुछ सीख सकते हैं। अगर आपको इसे कुछ सीखने मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।